जान से मारने की धमकी दे रहा था। क्या कुछ बता रहे थे वो? अब तो ये पहले भी उसमें भी मैंने FIR किया था और मुझे ये आपको 10:38 पर पहली बार रात्रि में संवाद में जो जान से मार देंगे, बहुत उड़ते हो, ये करेंगे वो करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिस्पी से विधायक हैं, उनको एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले भी उनको जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और उस वक्त उन्होंने सचिवालय थाने में कंप्लेन भी किया था। लेकिन बता दें आपको कि जिस प्रकार से बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा जो मुहैया कराया गया है, तो उनको भी 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल को जो है भारतीय जनता पार्टी के यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन बावजूद उनको देर रात फिर एक कॉल आता है और उस कॉल के दौरान उनको यह कहा जाता है कि तुम उड़ते ज़्यादा हो और इस तरह की बातें कही जाती है और उनको यह कहा जाता है कि तुमको मार देंगे। ये बात खुद हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सचिवालय थाने में कंप्लेंट भी किया, इससे पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने उससे पूछा गया कि क्या इसके शिकायत पहले दर्ज करने का कोई बेनिफिट मिला। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहले शिकायत किया उसके बाद मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन एक बार फिर से उनके फ़ोन पे कॉल आता है 10:30 और इस तरह की बातें कही जा रही है और उसके बाद फिर से उन्होंने सचिवालय थाना में कंप्लेन किया है। क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने और किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, सुनवाते हैं उनके बयान। दर्जनों बार फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मैंने इसकी लिखित सूचना अभी सचिवालय थाना में दिया है और चूंकि हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे संरक्षक हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी उसकी प्रति दे रहा हूं और आप लोगों को भी जानकारी में दे रहा हूं। मुझे जान से मारने नंबर से आया है, नंबर बता दीजिए किस नंबर से आया है। नंबर है 62-96-96-91-26। क्या बता रहा था? जान से मारने की धमकी दे रहा था। क्या कुछ बता रहे थे वो? अब तो ये पहले भी उसमें भी मैंने FIR किया था और मुझे ये आपको 10:38 पर पहली बार रात्रि में संवाद में जो जान से मार देंगे, बहुत उड़ते हो, ये करेंगे वो करेंगे। पिछली दफे क्या कार्रवाई की गई? पिछली दफे जो कार्रवाई की गई उसके कारण तो मुझको 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गया है, तो अब क्या मनसा है तो जांच का विषय है। मैं मंत्री से भी मिलेंगे इस मामले को, निश्चित रूप से मैं सबों से मिलूंगा। अगर क्या वजह, क्या वजह यही हो सकता है कि मैं सच्चाई को उठाता हूं। इस देश में जो गजबा हिंद करने वाले हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके विरुद्ध मैं बार बार उठाता हूं और ट्रू कॉलर में भी आ रहा है जो नाम, वो निश्चित रूप से जिहादी और गजबा हिंद मानसिकता वाले का। क्या किन का नाम से हो रहा है ट्रू कॉलर पर, वो देख लीजिएगा आप लोग। लोकेशन पता चल पाया क्या आप तक? हाँ, लोकेशन है वो शायद मेरे क्षेत्र का।